जम्मू कश्मीर में विवाद उतना ही पुराना है जितना खुद पाकिस्तान का अस्तित्व। जम्मू कश्मीर सुर्खियों में हमेशा रहा, चाहे राजनीतिक कारणों की वजह से रहा हो या फिर भारतीय सेना के अदम्य साहस की वजह से। बीते साल भी जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चा में रहा जब वहां से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाया गया, और बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी वजह यहाँ की आधिकारिक भाषा है। आपको बता दें कि देश की संसद में लोकसभा ने 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोंगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी को बड़ी संख्या में बोलते हैं और समझते हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो लोग कश्मीरी बोलते हैं उसमें से 53.26% लोग जम्मू कश्मीर में हैं। 22 सितंबर को लोकसभा ने ध्वनिमत से जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। गृह राज्य मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि बीते 70 सालों से जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले मात्र 0.16% ही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक के जरिए गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयास किया जाना भी प्रस्तावित है। गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की 26.64% आबादी डोंगरी बोलती है, जबकि वर्तमान में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त उर्दू केवल 0.16% आबादी ही बोलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की 2.36% आबादी हिंदी बोलती है, जबकि जम्मू कश्मीर में 1.78% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। समसामयिक घटनाओं से जुड़े ऐसे ही सटीक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला।